कहानी की शुरुआत में एक इलेक्ट्रीशियन एक कमरे में इलेक्ट्रॉनिक पास सिस्टम पर काम कर रहा होता है। वो जल्दी से सही कोड टाइप करके दरवाजा खोल देता है। इलेक्ट्रीशियन यह जानकर हैरान हो जाता है कि वो पीछे की ओर से वापस उसी कमरे में दाखिल हो जाता है। फिर वो राइट साइड के दरवाजे से अंदर जाता है, लेकिन वो वापस लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर आ जाता है। जब वो गेट पर रुकता है तो वो अपने आप को राइट साइड के दरवाजे पर खड़ा देखता है। इलेक्ट्रीशियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो एक अजीब से लूप में फंस चुका है। इलेक्ट्रीशियन लॉक में अलग अलग एक्सेस कोड दर्ज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। थोड़ा सोच विचार के बाद वो अपने औजारों की मदद से लेफ्ट वाले दरवाजे को खोलने का फैसला करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर चलना शुरू करता है और राइट साइड की ओर से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है और जल्द ही वो स्प्रिंट लगाते हुए सस्ता उसेन बोल्ट बन जाता है। अंत में इलेक्ट्रीशियन थक जाता है। वो थोड़ा आराम करने के लिए पानी पीने और नाश्ता करने का फैसला करता है। उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो बोर हो जाता है। तभी फिर वो लेफ्ट दरवाजे से अपनी पीठ पर कचरा फेंकने लगता है। अब इलेक्ट्रीशियन न केवल कागज को अपनी ओर फेंकता है, बल्कि उस कागज को पकड़ भी लेता है। फिर वो जमीन पर रेंगने लगता है ताकि वो किसी न किसी तरह से अपने पैरों को पकड़ सके, लेकिन उसका यह आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। हताश होकर वो फिर से कई अलग अलग कोड्स दर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। अंत में इलेक्ट्रीशियन परेशान हो जाता है और बकवास हरकतें करना शुरू कर देता है। वो जमीन पर लेट जाता है। वो हथौड़ा, ड्रिल मशीन और मेजरिंग टेप जैसी चीजों का उपयोग करने लगता है। इलेक्ट्रीशियन मेजरिंग टेप से स्किपिंग रोप बना लेता है, जिसके कारण वो टूट जाती है। वो कटर की मदद से अलग अलग रोबोटिक आवाजें भी निकालता है। तभी इलेक्ट्रीशियन देखता है कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कुछ ठीक करता है। अचानक राइट साइड का दरवाजा खुलता है और कमरे में एक रहस्यमय बॉल दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वो ये चीज नोटिस करता, बॉल कमरे से गायब हो जाती है। उसके बाद कमरे के बीचों बीच एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। इलेक्ट्रीशियन को झटका देने के बाद वो रोशनी भी अचानक गायब हो जाती है। तभी अचानक राइट साइड के दरवाजे से डॉक्टर्स का एक ग्रुप कमरे के अंदर आता है और उनके पास एक स्ट्रेचर था जिस पर एक ब्लैक लेडी बैठी हुई थी। वो सभी लोग लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी इलेक्ट्रीशियन उनका पीछा करता है, लेकिन वो वापस इसी कमरे में आकर फंस जाता है। इस चीज से तंग आकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और अंत में वो फर्श पर सो जाता है। अचानक से कमरे में अंधेरा छा जाता है और वहाँ एक चमकती हुई बॉल प्रकट होती है और उसके नीचे एक आदमी के बजाय एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। और तभी अचानक सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तभी इलेक्ट्रीशियन जाग जाता है और मेडिटेशन करने का फैसला करता है। इसके बाद वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक लॉक में छेड़खानी करता है और अचानक से स्क्रीन में कुछ अजीब सी गड़बड़ हो जाती है। और तभी वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। राइट साइड के दरवाजे से एक और इलेक्ट्रीशियन अंदर आता है, जो कि बिल्कुल उसका हमशक्ल था। दोनों इलेक्ट्रीशियन एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। और तभी जो इलेक्ट्रीशियन अंदर आया था वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। अब वो एक नहीं बल्कि दो हो गए थे। उनमें से एक कोने में चैन से सो जाता है तो दूसरा ताले से बाहर आ रहे वायर्स को ध्यान से देखता है। इलेक्ट्रीशियन कटर की मदद से अपने कपड़ों को टुकड़ों में काटता है और उनसे एक लंबी रस्सी बनाने की कोशिश करता है। बेहतर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रीशियन रस्सी पर जूस भी डालता है। वो रस्सी के एक सिरे को तार से जोड़ता है तो दूसरे सिरे को लेफ्ट साइड में फेंक देता है, ताकि रस्सी राइट साइड से कमरे के बीचों बीच आ जाए। लेकिन तभी वो एक खुले वायर को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार झटका लगता है और बच्चे के साथ एक रहस्यमय आग का गोला फिर से प्रकट होता है, पर फिर से सब कुछ गायब हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रीशियन जाग जाता है और पहले इलेक्ट्रीशियन को मरा हुआ पाकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर दूसरा इलेक्ट्रीशियन राइट साइड का दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि आखिरकार ये लूप खत्म हो चुका है। खुशी की चीख के साथ वो बाहर भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि पहला इलेक्ट्रीशियन मरा नहीं था, वो केवल बेहोश था। वो अपने होश में आता है और वो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा चुनता है। लूप खत्म होने की वजह से अब वो भी इस रहस्यमय कमरे से बाहर आ जाता है और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर आप भी हमारे वीडियोस के लूप में फंसना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि ऐसी और भी धमाकेदार वीडियोस का लुत्फ जो उठाना है आपको। धन्यवाद।